तुझसे नाराज नहीं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स में मैं मानव गोहिल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक ऐसी लड़की जिसका आउटलुक थोड़ा सा मॉडर्न है, वो अपने कपड़े अपने हिसाब से पहनती हैं, समाज के हिसाब से नहीं, जो जिसे पार्टी करना अच्छा लगता हो, जिसके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनमें ज्यादातर लड़के होंगे और हैप्पी गो लकी गर्ल है। मेरा सवाल आप सभी से ये है कि क्या आपके मुताबिक ऐसी लड़की का कैरेक्टर थोड़ा सा लूज होगा? क्या ऐसी लड़की के साथ बिना उसकी कंसेंट के कुछ भी किया जा सकता है? क्या ऐसा करना ठीक होगा? इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही जरूरी है और ये जवाब हमें मिलेंगे हमारी आज की कहानी में। देख ले। What a coincidence, यार। क्या coincidence? यहाँ तो क्लास में बैठ के उसके फोटोग्राफ्स देख रही है और वहाँ वो कैंटीन में बैठ के तेरे फोटोग्राफ्स देख रहा है। कुछ भी यार, उसकी गर्लफ्रेंड होगी। अरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देख, मुझे भी यकीन नहीं हुआ पहले। मैंने पास में जाके देखा तो मुझे पता चला कि वो तेरे फोटोग्राफ्स देख रहा था। Are you serious, सच्ची? नहीं, वो नीचे मस्ती कर रहा था और तू भी यहाँ पर उसके फोटोग्राफ्स देखना बंद कर, सीधा बैठ। ओके। एक्सक्यूज मी, तू प्रिया है ना? प्रिया जल्दी से अपने नोट्स दो, जल्दी जल्दी जल्दी। तूने फोन पे बोला था, अब मना नहीं कर सकती, जल्दी दे। एक्चुअली आई एम नॉट प्रिया। तू प्रिया नहीं है? अरे तो कौन है तू? आई एम निलंजना। ओह आई सी, निलंजना। हाय निलंजना, I'm Sid. It's my pleasure to meet you. Good morning. Morning, ma'am. आप सबको पता है, next project के लिए हम लोग गोवा जा रहे हैं। और आप में से जो जो भी interested हो, तू आ रही है ना? प्लीज आज मॉम डैड अलाउ नहीं करेंगे। अरे यार, इसमें मॉम डैड से क्या पूछना, बस बैग लेके निकल जा। उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। नीलू, पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड नहीं होते। बुरा मान गई, ठीक है तो मॉम डैड को भी लेके आ जाना, सिंपल। चल आगे देख। कॉलेज का एक ट्रिप आ गया, BMM का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, गोवा जा रहे हैं, सो कैन आई गो? मतलब जाना पड़ेगा। ये ट्रिप क्या आ गया अभी? अभी अभी तो तुमने कॉलेज ज्वाइन किया है और वैसे भी तुम ढंग से अपने दोस्तों को भी नहीं जानती हो। नेक्स्ट टाइम चली जाना। मॉम, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, कॉलेज का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। एंड वैसे भी मैं अकेली नहीं जा रही, पूरा कॉलेज जा रहा है। यू आर सो स्वीट, फिजिकल में स्ट्रिक्ट क्यों बन रहे हो? बेटा कॉलेज ट्रिप ठीक है, गोवा भी ठीक है, बट अभी तक तुम्हारे कॉलेज वालों ने ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया हमें, क्या अरेंजमेंट्स हैं, सेफ है या नहीं है। डैड, लेट मी टेल यू, आप लोगों ने मुझे एक फर्स्ट क्लास कॉलेज में डाला है, राइट? तो अरेंजमेंट भी फर्स्ट क्लास ही होंगी ना। एंड मम्मा, बाय द वे, द बेस्ट अरेंजमेंट इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का अकोमोडेशन अलग अलग है, बेस्ट राइट? मेरी तरफ से ओके है, और बाकी मम्मी बता देंगी। What? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी? वाह पापा, वाह, अब आपकी भी लाडली है ना, तो यू गिव परमिशन ना। इसका मतलब डन है? यस डन। ओके ओके डन है, खाना खाते हैं। थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम, आई लव यू। मस्त
मसकली उड़ मटकली मसकली मसकली उड़ मटकली। बड़ी तैयारी हो रही है गोवा जाने की? यस पापा। अटक और लचक मचक के दूर। थैंक यू डैड फॉर द परमिशन। किफ ये क्या है? बोल के देखो। बोल। थैंक यू सो मच पापा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है ना। बेटा हमें छोड़कर पहली बार तुम घर से बाहर जा रही हो, तो बस मन किया अपना ख्याल रखना। चलो चलो तैयारियां कर लो। We'll divide everyone into guys and girls, alag alag group mein, and we'll begin with It's Alia and Kavita, 302. Are you guys here? Okay, Tushar and Ritesh. हमारे सेठ को एक प्यार की पुजारिन ने खूबसूरत सा संदेश भेजा है। तालियां तालियां तालियां। डियर सेठ। तालियां? पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। ओ, बहुत दिनों से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी, और उस दिन जब क्लासरूम में तुमसे इंट्रोडक्शन हुआ, तालियां तालियां तालियां। And you kissed my hand. I really like you, Sid. क्या कर रहा है यार तू? पागल है? मजाक है कोई? मेरे पर्सनल मैसेजेस क्यों पढ़ेगा तू? छोड़ फोन इधर मेरा। रिलैक्स यार। तुम लोग क्या हंस रहे हो? क्या है? Why would you read my personal messages? क्या मजाक था यार? नीलू, यहाँ अकेली क्या कर रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही। तू जा ना, मैं आती हूँ। अब पछता के क्या फायदा? मैसेज नहीं करना चाहिए था उसे। ऐसे 50 मैसेजेस आते हैं लड़कियों से दिन भर में, उनकी तो आदत है लड़कियों का मजाक उड़ाना। लेकिन मैसेज मैंने उससे किया था यार, उसकी इडियट फ्रेंड्स ने पढ़ लिया, तो उसमें इसकी क्या गलती है? मुझे पता है तू उसके प्यार में पागल हो चुकी है, बट डोंट बी अ डेस्पो। हाँ हाँ, डेस्पो। टेक इट इजी यार, उसको तेरे पास आने दे, लेट हिम प्रपोज यू। और वैसे भी हम गोवा आए हैं, चल तुझे पानी में लेके चलती हूँ, आ जा। नीलू ने बड़ी हिम्मत करके सिड को अपने दिल की बात बताई, और वो पूरे क्लास का मजाक बन गई। चलिए देखते हैं नीलू इस इंसल्ट को कैसे संभालती है, और क्या सिड नीलू के प्यार को समझ पाता है या नहीं। कसम से यार, चल गई आज तो। मजा आ गया यार पार्टी का, मस्त एकदम। इसको तो चढ़ गई। अरे यार वो वहाँ बैठी है, तो बात करना उससे। छोड़ना यार। कितना टाइम लगाती है, कितना मेकअप करती है। I'm sorry. आधी पार्टी खत्म हो गई। I know. सुनना, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं सिर से बात करके आती हूँ। हाँ ओके। Okay?
तुम ऐसा करो, निकलो यहां से, मुझे उससे कुछ बात करनी है। हाय निलंजना, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाय, हाउ आर यू? निलंजना यार, आई एम रियली सॉरी, जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यू शुड बी सॉरी। आई नो यार, मेरे दोस्त यार पागल हैं, इनको पता है, वो हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं उल्टी सीधी। तुम्हारे दोस्त सचमुच में पागल हैं? हाँ एग्जैक्टली, उसको वो मैसेजेस यार प्राइवेट मैसेज थे यार, उसको सबके सामने नहीं पढ़ना चाहिए था। एग्जैक्टली, कौन ऐसे प्राइवेट मैसेजेस पढ़ता है? या और इसीलिए मैं, पता है, तब से बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ मैं। इनफैक्ट खुद तुम्हें आके सॉरी बोलना चाह रहा था, पर चलो अब तुम आ गई हो तो मैं रियली आई एम सेइंग यू सॉरी यार। नो प्रॉब्लम। सो बाय द वे, मैसेज बहुत अच्छा था। यू लाइक्ड इट? सो व्हाट्स योर सीन नाउ? नथिंग, बस ऐसे ही पार्टी में चिल कर रही थी। सो चलो, वुड लाइक टू जॉइन मी फॉर अ ड्रिंक? कम। ओके। हाँ, हैव इट। क्या है ये? अरे कुछ नहीं यार, नॉर्मल ड्रिंक है। क्या दूध मंगवाऊं तुम्हारे लिए? कम ऑन, हैव इट यार। हाँ, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। सो कैसा लगा? हाउ इज द ड्रिंक? अच्छा है। पियो, ज्यादा नहीं पी सकती तो ठीक है यार। मैं पीती हूँ ना। कम ऑन गाइस, लिसन, कल हमारी अर्ली मॉर्निंग साइट विजिट है। आई वांट यू गाइस टू रैप अप द पार्टी इन 10 मिनट्स, ओके? 10 मिनट्स मींस 10 मिनट्स। प्लीज गेट बैक टू योर रिस्पेक्टिव रूम्स। और हाँ, कल सुबह हम ब्रेकफास्ट पे शार्प 7 बजे मिलेंगे, ओके? ओके। निलंजना, चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है मेरे रूम में। हमारे रूम में? या मेरे रूम में। चलो 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 जल्दी यार, कम। व्हाट हैपेंड? व्हाट्स रॉन्ग? अरे यू फाइन राइट? निलंजना, 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 क्या हुआ? क्या हुआ नीलू? आर यू ओके? क्या हुआ निलंजना? कम, तुम दोनों चलो, मैं आता हूँ, मैं छोड़ के आता हूँ। चलो कम कम। यू फाइन राइट? यार आई एम फाइन। कितना वियर्ड है ना कि उल्टी करने के बाद भी मुझे इतना मजा आ रहा है, लाइक वाओ। कम ऑन यार, मजा आ रहा है? हाँ यार, वैसे मुझे पार्टी में आने के लिए बहुत ज्यादा देर हो गई ना। मैं यही पूछने वाला था, तुम इतनी लेट कैसे हो गई? मेरा ड्रायर खराब हो गया था। तो भाई मुझे बुलाना था ना, ड्रायर खराब हुआ था तो मैं आता। तुम रिपेयर कर देते क्या? बिल्कुल, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार। अच्छा, वैसे अच्छा भी दिखना था तो मेकअप एंड ऑल। अच्छा दिखना था? क्यों भाई, किसके लिए अच्छा दिखना था? चलो चलो फटाफट से चलते। सिड, हम तुम्हारे रूम क्यों जा रहे? क्योंकि पार्टी खत्म हो गई है ना, और अब हम रूम में जाएंगे। आई टोल्ड यू, कुछ दिखाना है तुम्हें। सिड, बीच पे जाते। बीच पे कैसे जाएंगे रात को इस ड्रेस में? कम ऑन यार, बी प्रैक्टिकल। चलो, एक्चुअली ड्रेस बहुत शॉर्ट है। एग्जैक्टली, चलो चलो। सिड, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग दिखाना था तुम्हें? Kiss me. What? Come on, kiss me. Sid, I think... You like me, no? Sid! Kiss me. Come on, kiss me. Sid, what are you doing? Sid, ये तुम क्या कर रहे हो? Why are you misbehaving with me? Let me kiss you. Sid! Sid! Kiss me. Sid. Leave me. Sid! पकड़।
हेलो अंजना, तुम इतनी रात को अपने कमरे के बाहर क्या कर रही हो? सॉरी सर, मैंने तुमसे कहा था ना कल हमारी अर्ली मॉर्निंग साइट विजिट है, यू शुड हैव बीन स्लीपिंग बाय नाउ। तुमने शराब पी रखी है? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? किसके साथ ही तुम अब तक? हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, टेल मी। सर सर सर, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं अपने रूम जा रही हूँ। निरंजना, निरंजना, आर यू फाइन? कोई भी लड़की चाहे वो आपसे कितना भी प्यार क्यों ना करती हो, अगर वो ना कहती है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ना ही होता है और कुछ नहीं। अगर उसके ना कहने के बावजूद आप उसके साथ कोई जबरदस्ती करते हैं तो वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होगा, यौन शोषण, जो कानूनन जुर्म है। नीलू, सुबह हो गई है यार, ब्रेकफास्ट के लिए नहीं जाना? नीलू, नीलू, कल रात क्या हुआ? रात जो भी हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। नीलू, लिसन, अगर कॉलेज में किसी को भी पता चल गया तो बहुत बदनामी होगी। नीलू का फोन है। नीलू, गोवा कैसा है बेटा? ठीक है डैड। और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अब बहुत मस्ती की है क्या? नहीं नहीं, मतलब दोनों। अरे गोवा में एंजॉय नहीं करोगी तो कहाँ करोगी? डैड, आई मिस यू एंड मॉम बोथ। मिस कर रही है हमको? बेटा हम लोग भी तुम्हें मिस कर रहे हैं। अब लो मम्मा से बात करो। डैड, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मुझे जाना है। अच्छा अच्छा बेटा, शाम को जरूर ध्यान से कर लेना अपनी मम्मी से बात। जी। क्विकली क्विकली, और कौन है अंदर? हाय नीलू, तुम ठीक हो ना? I just came here for my daughter. Sure. Sure. Can I call you later? Okay. Bye bye. अपना सब bags लेना. Quickly, quickly. बड़ी उदास लग रही है मेरी बेटी. पापा को बहुत miss किया है क्या? कुछ नहीं. चलिए ना पापा. सुप्रिया को बुला लेते. ड्रॉप कर देते उसे। पापा प्लीज चलिए ना। ओके चलो। नीलू बेटा,
ओके? बेटा कॉलेज से फोन आया था। नीलू तैयार हो जाओ, प्रिंसिपल ने कॉलेज में बुलाया हमें, और प्रिंसिपल को मिलने से पहले मुझे सब कुछ जानना है जो गोवा में हुआ था। एग्जैक्टली अंडरस्टूड? यू गेट रेडी ओके, मैं पापा से बात करती हूँ। जब नीलू के टीचर ने उसे नशे के हालत में देख लिया तो उसके बाद कोई भी उसकी बात पर भरोसा करेगा? आइए अब देखते हैं नीलू के साथ आगे क्या हुआ। मेरी बेटी शराब पीती है सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस कि मेरे स्टूडेंट कॉलेज के बाहर क्या करते हैं और क्या नहीं करते, लेकिन आपकी बेटी को नशे में धुत मेरे प्रोफेसर ने अपनी आंखों से देखा और ऐसी हालत में बॉयज सेक्शन में क्या कर रही थी यहाँ पे पूछे। आप लोगों ने बहुत छूट दे रखी है अपनी बेटी को, और उसी का नतीजा है कि आज आप मेरे सामने इस तरीके से बैठे। ये मैं क्या सुन रहा हूं लंजना, सच है ये? बेटा शराब पिया था तुमने? हाँ बोलो। आपकी बेटी का बिहेवियर और रिकॉर्ड एक्सीलेंट रहा है, इसलिए वन ऑफ इंसिडेंट कंसीडर कर रहे हैं, वरना कोई और होता तो हम रेस्टिकेट कर देते। फिलहाल हमने निरंजना को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया, इस एक हफ्ते में उसे समझाइए, काउंसिल कीजिए, अगर दोबारा इस किस्म की कोई भी मिस्टेक हुई तो। नहीं होगा सर, आई प्रॉमिस। नादान है, किसी के बहकावे में आ गई होगी। बेटा सॉरी बोलो, सॉरी बोलो निरंजना, सॉरी बोलो। आई एम सॉरी सर, एंड मेक इट श्योर It will not be repeated. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. चलो। मौसमी ये उम्र में सभी बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके किसी इडियट दोस्त ने इसको आइडिया दे दिया होगा। किसी और को ब्लेम मत करो। ये गलती तुम्हारी है। मेरी? मैंने क्या किया? तुम शराब घर पे क्यों रखते हो? Come on, मैं ज़्यादातर घर पे नहीं रहता, तुम तो रहती हो। बेटी क्या सिर्फ मेरी है? तुम्हारी बेटी नहीं है? तुम्हें नहीं ध्यान रखना चाहिए? देखो गलती मेरी है तुम्हारी नहीं है, हम दोनों की है। देख रही हो ना, शर्मिंदा है वो, उसे अपनी गलती का एहसास है। पता है उसने सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया। भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा, चलो बात करते हैं उससे। बेटा कॉलेज आ गया, इट्स ओके बेटा, गलतियां सबसे होती हैं, तुम टेंशन मत लो, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। जी पापा, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेटा आप ऑलरेडी एक हफ्ता पीछे हो, और ये 5 दिनों में क्या हुआ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, सब भूल चुके होंगे। कभी ना कभी तो स्टार्ट करना होगा ना, बी कॉन्फिडेंट। बाय बेटा, मम्मा आएंगे आपको दोपहर को लेने। छोड़ो मत ध्यान दो, कैसी हो तुम? क्या तुम्हारे घर पे पता है उस रात क्या हुआ वहां उस कमरे में उन लड़कों के साथ? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। इतना क्या हंस रही है? वीडियो क्या देख रही है? बताओ। ये
इतना हंस रही हो? क्या फनी है इसमें? They are harassing him. What's so funny about it? It's just a joke. It's a joke. किसने दिया तुम्हें ये वीडियो? वो लोगों ने गोवा में ही तो बनाया था। ये लोग, these people. You're laughing about this? These guys should be punished. They are bloody criminals. हंस क्या रहे हो तुम? Calm down. Why are you asking me to calm down? Why are you making a scene? I'm not making a scene. तुम लोगों को तो punishment मिलनी ही चाहिए. Bloody criminals. अरे जो वीडियो अपन ने गोवा में शूट किया था उस रूम में, उसको अपलोड कर दें क्या? कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो तुम? हाँ? 5,000 लाइक्स तो यूं आ जाएंगे. कॉलेज ने नीलू का मजाक बनाया, लेकिन किसी ने भी नीलू की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की. यहां तक कि नीलू की बेस्ट फ्रेंड, उसका मानना था कि लड़के ऐसे ही होते, तुम्हें ही केयरफुल रहना चाहिए था. वाकई लड़के ऐसे होते हैं? मुझे नहीं लगता है. जो सच्चे मर्द होते हैं वो औरतों को छेड़ते नहीं है, उनसे जबरदस्ती नहीं करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं. बहरहाल नीलू अकेली पड़ गई थी. उसे डर लग रहा था कि कोई उसकी बात पर विश्वास करेगा या नहीं, कैसे वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेगी. नीलू, नीलू बेटा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? रो क्यों रहे हो आप? बेटा नीचे आओ, चलो नीचे आओ. नीचे आओ, नीचे आओ. Come on. पूरे घर में ढूंढ रहे थे नीचे. मॉम, इट्स ऑल माय फॉल्ट. आई एम रियली वेरी सॉरी. मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी. मुझे गोवा नहीं जाना चाहिए था. इट्स ओके बेटा, आप नीचे आ जाओ. रो मत. आप देखो, इस उम्र में सबसे गलतियां होती है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए. मुझसे भी गलती हुई इस उम्र में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना. चलो आ जाओ, आप नीचे आ जाओ. बेटा आपको शराब नहीं पीनी चाहिए थी. कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था. और फिर तुम बॉयज रूम में क्या कर रही थी? हाँ डैड, मैंने शराब पी थी अपनी मर्जी से. मैं उन बॉयज के रूम में भी गई थी अपनी खुद की मर्जी से, लेकिन उसके बाद उस रूम में जो भी हुआ वो मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ था डैड. मैंने उन लड़कों से कहा कि मुझे उस रूम के बाहर जाने दे, पर वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे. मतलब उन लोग ने मेरा ड्रेस उतारा और एक दूसरों के साथ मस्ती करने लगे. मुझे ही पता है कि मैं वहां से कैसे बच के निकली हूँ डैड. तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? कैसे बता दी मैं? आप लोग ने मुझसे पूछा ही नहीं. मुझे ही गलत ठहरा रहे थे आप लोग. कौन था बेटा? तू नीचे आ बेटा, पहले नीचे आ. मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए. पुलिस के पास जाए या प्रिंसिपल के पास जाए? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और सब कुछ सच सच बता दूंगी. उन लड़कों को सजा मिलनी चाहिए. They will have to pay for this. देखिए, जो बंद कमरों में लड़का और लड़की के बीच में जो होता है उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, उसका सिर्फ वर्जन होता है. एक तो इनका वर्जन है और दूसरा इनका. क्या मतलब है आपका? आप इन्वेस्टिगेट तो करिए, तो पता चलेगा ना किसका वर्जन सही है. सर ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है सर. मैं तो इससे बात तक नहीं करना चाहता था, बल्कि ये खुद मेरे पीछे आई. सोशल नेटवर्किंग साइट पे सर इसने मुझे प्रपोज किया था. देखिए आप, पूरी क्लास ये जानती है. आप चाहें तो किसी से भी पूछ लीजिए सर.
और रही उस दिन की बात सर, ये खुद शराब पीकर हमारे रूम में आई। इनफैक्ट हमने इसे बाहर जाने को बोला, हमने इसे मना किया सर, पर फिर भी ये खुद हमारे रूम में आई। सर ये सरासर झूठ बोल रहा है, इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती उस कमरे में बंद किया था, मेरे साथ छेड़खानी की। मॉम ये झूठ बोल रहा है। सर ये झूठ बोल रही है, उस दिन जो दो रूममेट्स मेरे साथ थे सर, वो गवाह हैं इस बात के। ये लड़का सही बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, मैंने कॉलेज में जाके और स्टूडेंट से भी पता किया और सब लोग एक ही बात कह रहे थे। मुझे लगता है ये लोग मॉलेस्टेशन का केस बनाकर हमारे कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इनकी लड़की को सस्पेंड कर दिया था। प्रिंसिपल सर आप ये क्या बात कर, जो वर्जन आपने लोगों से बच्चों से सुने हैं आप वो वर्जन बता रहे, आप वहां पे खुद नहीं थे, मेरी बेटी थी वहां पे। आई डोंट केयर, वी आर फाइलिंग अ कंप्लेंट। लीजिए आप भी देखिए। मैसेज भेजना क्राइम नहीं होता, लड़की के साथ पुलिस स्टेशन करना क्राइम है। ठीक है आप उस मैडम के पास जाइए और अपनी कंप्लेंट फाइल कराइए। चलो बेटा। आप लोग भी जा सकते हैं। थैंक यू सर। बिकॉज ये मॉलेस्टेशन का केस है, इसलिए थोड़ा ट्रिकी तो है, एंड यू नो सेक्सुअल ऑफेंसेस आर अ वेरी ग्रे एरिया। बट मैडम मैं जानती हूँ मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। आई अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग, लेकिन हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है, और कॉलेज में तो स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने इसे अकेले सिद्ध के साथ कहीं जाते हुए देखा, एंड शी वॉज ड्रंक। मैं मानता हूँ मैम इसने ड्रिंक्स ली थी, पर उस कमरे में जो कुछ भी हुआ सब इसकी मर्जी के खिलाफ हुआ। वो तो ठीक है, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है हम कुछ खास नहीं कर सकते। मैडम कुछ रास्ता तो होगा। हाँ निकालते हैं, कुछ ढूंढते हैं। निलंजना बेटा तुम्हें कुछ याद है उस दिन, उस रात को तुम्हें किसी ने उस रूम में उन लड़कों के साथ जाते हुए देखा हो, कोई होटल स्टाफ, कोई स्टूडेंट, कोई टीचर? याद करने की कोशिश करो, इट विल बी ग्रेट हेल्प। जी मुझे याद है, उस दिन रात को उस कमरे में एक आदमी ने मुझे जाते हुए देखा था। उसने होटल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था पर मुझे उसका नाम नहीं पता। अगर तुम उसे देखोगी तो पहचान पाओगी। जी मॉम डैड हमें वो होटल जाना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट, हम उस आदमी को मिलते हैं, पूछताछ करते हैं, शायद वो हमें इस केस में कुछ हेल्प कर सके। जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? मैम हमें आपके स्टाफ की थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। आई एम सो सॉरी सर, हम अपने स्टाफ की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते। प्लीज मैम, प्लीज हमारी बात सुनिए, हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली मैं अपने कॉलेज ट्रिप में भी इसी होटल में रुकी थी और 26 की रात आपके किसी स्टाफ से मेरी बात भी हुई थी, उनसे मुझे एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्लीज़ अगर आप हमारी मदद कर देंगी तो बहुत आसान होगा। देखिए मैम मैं समझ सकती हूँ, बट आई कैन नॉट। प्लीज मैम प्लीज। ओके लेट मी चेक। मुझे नहीं पता कि आप कौन से स्टाफ से मिली हो, पर हमारे यहाँ नाइट में सिर्फ एक ही क्लीनिंग स्टाफ रहता है और उसका नाम है बब्बन पाटिल। और एड्रेस? भाई साहब आप ठीक? नमस्ते जी।
पापा उस दिन यही थे होटल में। भाई साहब ये मेरी बेटी है नीलांजना, आपको याद होगा कुछ दिन पहले आप ही के होटल में आके रुकी थी। तो होटल में कितने लोग आते हैं, हम किस किस को याद रखें, हमको नहीं मालूम है कौन। बब्बन जी प्लीज, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस दिन आपने मुझे देखा था और मैंने आपको, प्लीज अब भी तो सच कहिए। बब्बन जी दरअसल हम आपकी मदद लेने आए, हम चाहते हैं कि उस रात जो भी होटल में हुआ उसकी गवाही आप कोर्ट में दे दें। किस किस की गवाही देंगे हम, और ऐसी कितनी लड़कियां आती हैं ऐसी हरकतें करती हैं वहाँ पे, और सब इन लोगों की मर्जी से होता है, अब बाद में नाटक क्यों करती हो, तब नहीं दिखा था क्या। बब्बन जी बेटी है मेरी, बेटी है तो शुरू में नहीं ध्यान रख रहा था, लड़कों के साथ उड़ी फिरती है पतंग की तरह, लड़कों के साथ घूमने जाती है, स्विमिंग पूल में नहाती है, शराब पीते उनके कमरे में घुसती है, शर्म नहीं आती तुमको, उठा के चली आई। बस चुप करो, बोलिए आपने जो बोलना था आपको, सब कुछ दिख गया ना तुम्हें कि मैं उस रूम में थी, मैंने दारू पिया था, ये नहीं दिखा कि उन्होंने मेरा जबरदस्ती की। हाँ उस दिन जबरदस्ती की उन लोग ने मेरे साथ, छेड़खानी की, उस रूम में बंद करके रखा था मुझे, क्या पता है तुम्हें। हाँ कुछ भी बोले जा रहे हो, तुम्हारी खुद की बेटी है, शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए किसी और की बेटी के बारे में। हाँ कायर हो तुम इतने, कहो ना, बहुत हो गया, नहीं मदद करनी है तुम्हें, नहीं करनी है ना, मत करो। पर एक बात याद रखिए, अगर आप मेरी मदद करें या ना करें, फिर भी मैं उन लड़कों को सजा दिलवा कर रहूंगी, समझ गए। थैंक यू, चलिए पापा। सुप्रिया मैं तुम्हें दो सवाल पूछूंगा, उसका सही सही जवाब देना। क्या उस रात निलंजना ने शराब पी थी? जब वो रात को कमरे में आई तो उसने थोड़ी पी रखी थी, पर उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मेरा दूसरा सवाल, निलंजना मेरे क्लाइंट सेठ को पसंद करती थी, क्या वो दोनों रिलेशनशिप में थे? नहीं, पर निलंजना उसे बहुत पसंद करती थी और काफी महीनों से उसे बात करने की कोशिश कर रही थी, कुछ मैसेजेस भी किए थे। मिलोर्ड ये केस ओपन एंड शट केस है। ऑनर अगर निलंजना को सिर्फ पसंद था तो इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता, और अगर वो उसके साथ कहीं बाहर गई भी तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इन द केस ऑफ दिस विक्टिम देयर इज नो रिलेशन बिटवीन अल्कोहल कंजम्पशन and molestation. When a girl says no, it means no. ये सब उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ सर, and that's all your honor. ये baseless allegation है, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन अदालत सबूत मांगता है, witness मांगता है। तो ठीक है ना सर, आप अपने witness को excuse कीजिए, मैं अपना witness बुलाती हूँ। Okay, you excuse. And sir, my next key witness is Mr. Babban Patil. He's an employee of Hotel Rio Classic. Madam, जब ये हादसा हुआ, उस समय मैं night duty पे था। तो हादसे के time क्या ये लड़का वहाँ मौजूद था? जी मैम। क्या तुम court को बता सकते हो कि उस रात होटल में exactly क्या हुआ? मैडम वो लड़की इस लड़के के साथ होटल के रूम में गई, वहाँ पे दो लड़के और थे, सब ने शराब पी रखी थी, दरवाजा बंद हो गया तो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। Sid, what are you doing? Sid, ये तुम क्या कर रहे हो? Why are you misbehaving with me? Sid, तू तो लाइक कर ना। Stay near me. आए, क्या ड्रेस है? You come on. Arrest my case. इस लड़के और उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लो, सजा अगली सुनवाई में सुनाई जाएगी। Sir,
सर, उस दिन आपके बेटे के साथ मैंने बदतमीजी से बात की, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपने जो किया ना, उसका एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार पाएंगे हम लोग। थैंक यू बब्बन जी, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए। अगर आप नहीं आते तो मुझे इंसाफ ही नहीं मिलता। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि कल मैंने आपसे वैसे बात की। कैसे नहीं आता मैडम, आपके जाने के बाद मेरी बेटी ने मुझसे कई सवाल किए, मेरे पास उसके सवालों का एक भी जवाब नहीं था। मैंने सोचा जो हादसा आपके साथ हुआ है, कल को मेरी बेटी या किसी के भी साथ हो सकता है। अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। चलो बेटा। I'm really sorry नीनू, मॉम डैड की तरफ से बहुत प्रेशर था, उन्होंने कहा इस केस में इन्वॉल्व ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। I'm really sorry. It's okay. You did your best. Thank you. नीलू। हमारे सुनने वाले सभी मर्दों को मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी औरत के साथ जोर जबरदस्ती करके आपकी मर्दानगी या आपकी शान बढ़ती नहीं है। एक्चुअली मैं उन सब माँ बाप से बात करना चाहूंगा जिनके बेटे हैं, जब छोटे होते इसी उम्र में इन्हें सिखा देना चाहिए कि एक औरत की इज्जत कैसे की जाती है, तभी वो लोग बड़े होकर इन संस्कारों को अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। और सारी लड़कियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई अगर आपके प्यार और विश्वास का फायदा उठाकर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठाइए। डरिए मत, समाज के बारे में मत सोचिए, उसको जो कहना है कहने दीजिए, लेकिन आपका रिश्ता सबसे पहले खुद आपके साथ है। फिलहाल तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पे मैं मानव आप सभी से विदा चाहूंगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी ब्रेव, बी करेजियस। बाय।